स्वराज अभियान की तरफ से इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सबको कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे आप सब यहाँ इकट्ठे हुए। जो लोग मंच पे बैठे हैं आप पहचानते हैं, बाई तरफ तो मुझे पहचान करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी दाई तरफ वैसे आप परिचित होंगे अनुपम जी से। अनुपम अब स्वराज अभियान के ऑफिशियल चीफ स्पोक्स पर्सन भी थे, तो इस कैपेसिटी में मैं इनको वेलकम कर रहा हूँ। दोस्तों, पिछले कई हफ्तों में इस देश ने बहस देखी राष्ट्रीय सुरक्षा। हर पार्टी एक दूसरे से ज्यादा आगे बढ़ के साबित कर रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पे हम ज्यादा चिंतित हैं, हम ज्यादा चिंतित हैं। और खासतौर पे इस देश की दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां, सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी और कांग्रेस, दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रही थी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का, इसके साथ राजनीति करने का। आज हम जो कहानी आपके सामने रखने जा रहे हैं वो हमें राजनीति में ये जो दूरा कुश्ती होती है, शेडो बॉक्सिंग जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, वो होती है, उसका पर्दा उठाने के बाद आपको जो हकीकत दिखाई देती है, वो कहानी आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। कि जब ये पार्टियां टीवी के स्टेज से हट जाती हैं और जब असली सौदे होने लगते हैं तो इनकी राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति कितनी गंभीरता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किस तरह के घिनौने समझौते करने को ये सब पार्टियां तैयार हैं, कैसे सब एक दूसरे के साथ मिली भगत करने को तैयार है, इसकी कहानी हम आपके सामने रखना चाहते हैं। कहानी विस्तार से और पूरे तथ्यों के साथ तो प्रशांत जी ही बता सकते हैं, मैं मोटी बात आपके सामने रखती हूं। आप सबको ध्यान होगा 2005 में नेवी वॉर रूम लीक का मामला सामने आया। शक हुआ था कि उसमें कहीं ना कहीं सबमरीन की जो डील होने वाली थी उसका खेल था। अभिषेक वर्मा नामक एक व्यक्ति पकड़ा गया था। अगले ही साल स्कॉर्पियो वाली सबमरीन डील हो गई, 2005 में ही वो डील हो गई। बार बार ये कहा गया, सबकी तरफ से कहा गया कि इस डील में दलाली हुई है। उस टाइम बीजेपी ऑपोजिशन में थी, बीजेपी तब से अब तक कह रही है स्कॉर्पियन पनडुब्बी की जो डील थी इसमें बड़ी दलाली हुई, इसमें कमीशन लिया गया। इसलिए जब बीजेपी पावर में आती है सन 2014 में तो आपकी एक नेचुरल सी उम्मीद होगी, एक एक्सपेक्टेशन होगी कि अच्छा आप बीजेपी पावर में आ गए तो और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता में, अपने कंपटीशन में, अपनी राइवलरी के चक्कर में इस मामले को खोलेगी और इसकी सच्चाई देश के सामने लाने की कोशिश करेगी। मगर रियलिटी में क्या हुआ? हुआ ये कि ये जो PIL प्रशांत भूषण जी ने 2006 से डाली हुई थी ये कहने के लिए कि इस डील में दलाली हुई है, इसका उद्घाटन किया जाए, इसका रहस्य दाखिल करके देश के सामने लाया जाए, इसकी जांच हो, वो मुकदमा जो दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा था उस मुकदमे को समाप्त करने का काम बीजेपी के पावर में आने के बाद हुआ। अब तक बीजेपी ने, बीजेपी सरकार ने इस डील के जो बिल्कुल पब्लिकली नोन दलाल हैं उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की और जब प्रधानमंत्री कार्यालय को सॉलिड एविडेंस मिल गए कि वो जो व्यक्ति नेवी बॉर्डरूम लीक के आरोप में पकड़े गए थे, जो अरेस्ट हुए थे, जो बेल पे बाहर आए थे अभिषेक वर्मा, वो आदमी उसके बाद भी आर्मी सीक्रेट्स उसके पास जाते रहे,
2011 तक उसके पास आर्मी के डिफेंस सीक्रेट्स जा रहे हैं। ये एविडेंस प्रधानमंत्री कार्यालय में पिछले दो महीने से पड़ा हुआ है। उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय भी कोई काम नहीं करता, इस पे कोई कार्यवाही नहीं करता। तो आप सोचते हैं कि मामला क्या है? इस पे हम काफी समय से कोशिश कर रहे हैं कि सच्चाई पता कर सके। हाल ही में कुछ एविडेंस हमारे सामने आया जिससे दो बात समझ में आई कि बीजेपी इस सवाल पे क्यों कार्यवाही नहीं कर रही। पहला छोटा कारण, दूसरा बड़ा कारण। छोटा कारण तो ये कि पता लगा कि इस सारे कोयले की दलाली में इनके अपने लोग शामिल थे। इनके अपने एक एमपी हैं जो उस वक्त जो पार्लियामेंट्री डिफेंस कमेटी के मेंबर हैं, पार्लियामेंट की जो कंसल्टेटिव कमेटी ऑन डिफेंस होती है उसके मेंबर हैं, जिनकी इन सारे एजेंट्स के साथ उनके जो रिश्ते हैं, वो एक छोटा कारण है कि बीजेपी इस सवाल पे क्यों चुप होगी। बोलेगी तो इनके अपने लोगों का नाम आएगा। लेकिन बड़ा कारण ये है कि अगर बीजेपी स्कॉर्पियन डील के दलालों का नाम सामने लाती है और उसमें दलालों पे एफआईआर करवाती है, उनके विरुद्ध केस को परस्यू करती है, तो उन्हें भारत के कानून का पालन करना पड़ेगा। और कानून कहता है कि डिफेंस, जो सरकार की नीति है कि डिफेंस डील में अगर मिडिल मैन को यूज किया तो आपकी कंपनी ब्लैकलिस्टेड हो जाएगी। जिसका मतलब है थेलिस नाम की जो कंपनी जिसने स्कॉर्पियन डील किया था वो ब्लैकलिस्ट हो जाएगी। थेलेस के ब्लैकलिस्ट होने से बीजेपी को क्या असर पड़ता है? उसको असर ये पड़ता है कि ये जो रफेल वाले, ये जो रफाल जो एयरक्राफ्ट का डील हाल ही में हुआ है, 58,000 करोड़ रुपए का डील हुआ है, जिस डील के बारे में बहुत कुछ और बातें आई हैं जिसमें अभी आज हम नहीं जाएंगे, वो डील हमें बताया गया था कि एक ऐसी कंपनी से हुआ है जो थोड़ा नया नाम सुनने में लग रहा था, डसॉल्ट नामक एक कंपनी से हो रहा है। लेकिन जरा ध्यान से हमने देखा तो उस डील को साइन करने के लिए जो दो लोग आए थे उसमें डसॉल्ट भी नहीं, उसमें ये जो कंपनी है फ्रांस की थेलिस कंपनी, इसके सीईओ भी उसको साइन करने आए थे। सो अगर थेलिस के ऊपर प्रतिबंध लग जाता तो रफाल डील नहीं होता। This is the story. पीछे लिख रहे हैं यार।